नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि गाउस के नियम क्या होते हैं और उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। गाउस के नियम हमने पूरा पढ़ लिया, हमने गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग भी जो थे, हमने पांच अनुप्रयोग थे अपने, पांचों पूरे पढ़ लिए। पांच जो अनुप्रयोग थे अपने पास, वो पांच अनुप्रयोग कौन कौन से थे? तो पांच में से जो पहला अनुप्रयोग था बेटा अपने पास, वो कौन सा था? तो पहले अगर हम अनुप्रयोग की बात करते हैं तो वो था आवेशित मूलीय। आवेशित गोलीय कोष। दूसरा जो अनुप्रयोग था अपने पास वो कौन सा था? तो वो था चालक गोला। तीसरे अनुप्रयोग की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा अनुप्रयोग था अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब अचालक गोला। चौथे अगर हम अनुप्रयोग की बात करते हैं तो चौथा जो अनुप्रयोग था वो था अनंत रेखीय आवेश। या कह लो अनंत रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की हमने दिशा निकाली थी और क्या निकाली थी? तीव्रता निकाली थी। अब देखो अगले की हम बात करते हैं, इसके बाद अनंत रेखीय आवेश के बाद अगला जो था वो था अपरिमित अचालक पृष्ठ। अपरिमित अचालक पृष्ठ। अपरिमित का मतलब क्या होता है? अनंत होता है। और उस अपरिमित का मतलब हो गया अनंत, और अचालक क्या है अपने पास? पृष्ठ है। इन ये पांच अपने क्या थे? गाउस के नियम के अनुप्रयोग थे बेटा। इन पांचों अनुप्रयोग को हमने पढ़ लिया है। अगर बात की जाए मेन एग्जाम की, बोर्ड परीक्षा की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बेटा बोर्ड परीक्षा में इन पांचों में से एक अनुप्रयोग हर साल पूछता है। कितने नंबर का पूछता है? चार नंबर का पूछता है। कि कोई भी एक अनुप्रयोग इनमें से, क्वेश्चन आपका कैसे आएगा? गाउस का नियम लिखिए, तो एक नंबर का आएगा गाउस का नियम, जो हमने पढ़ा है क्या होता है? फाई बराबर सिग्मा क्यू अपोन में एप्सिलॉन जीरो। ये होता है गाउस का नियम, यानी कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात की कैसा होता है? बराबर होता है। तो ये एक नंबर में तो गाउस का नियम पूछेगा। इसके अलावा इन पांचों में से कोई एक अनुप्रयोग होगा जो कितने नंबर का होगा? तीन नंबर का। इस प्रकार से चार नंबर का बड़े सवाल आता है, हर साल आता है लगभग लगभग मेन एग्जाम। तो ये अपना एक टॉपिक जो था गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग हो गया खत्म। अब इस चैप्टर की हम बात करते हैं, जो अपना पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में बेटा एक या दो टॉपिक बचे हुए, और वो एक या दो टॉपिक अपने पास कौन कौन से हैं? एक तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये पूरा बचा हुआ है। एक विद्युत दर्शी बचा हुआ है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव, कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की। तो देखो विद्युत द्विध्रुव, यह है आज का अपना टॉपिक विद्युत द्विध्रुव। अब देखो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, बात किसकी कर रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो बेटा विद्युत द्विध्रुव अगर होगा क्या, तो यहां से क्या आएगा भाई? माना अपने पास दो आवेश, कितने आवेश है? दो भाई। माना एक आवेश तो यहां पे है बिंदु ए पर, और एक आवेश यहां पे हो गया बिंदु बी पर। ये जो आवेश है दो, माना ये परिमाण में समान है, ये भी Q आवेश है और ये भी कितना आवेश है? Q आवेश। मतलब दोनों आवेशों का मान कैसा है? समान है, मतलब एक जैसे हैं दोनों की दोनों, लेकिन प्रकृति कैसी है? विपरीत। यानी कि अगर एक माइनस का है तो दूसरा कैसा होगा? प्लस का होगा। यानी कि अगर ये माइनस का पांच है तो ये क्या होगा? प्लस का पांच होगा, नहीं होगा? कि जब दो आवेश जिनका परिमाण, देखो वैल्यू कैसी है? समान है, लेकिन प्रकृति कैसी है? विपरीत है। एक धनात्मक है तो दूसरा कैसा है? ऋणावेश है। यानी कि एक धनावेश होगा तो दूसरा ऋणावेश होगा।
या एक ऋणावेश होगा तो दूसरा कैसा होगा? धनावेश होगा। इन दोनों के बीच की दूरी यदि अल्प हो, कैसी दूरी हो? अल्प दूरी हो, या कह दो ये दोनों एक दूसरे के निकट स्थित हो। कैसे स्थित हो बेटा? एक दूसरे के निकट स्थित हो, तो ऐसा युग्म क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आया समझ में कि जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश, जिनका परिमाण तो कैसा है? समान है, और प्रकृति कैसी है? विपरीत है। ऐसे अगर दो आवेश एक दूसरे के बहुत पास स्थित है, अति निकट स्थित है, पास पास स्थित है, तो ऐसा जो युग्म बनता है वो युग्म क्या कहलाता है? तो ऐसा युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसा युग्म विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आया समझ में कि विद्युत द्विध्रुव क्या होगा? एक ऐसा युग्म जिसमें दो समान परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो पास पास स्थित होते हैं, मतलब एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब स्थित होते हैं, तो ऐसा युग्म क्या कहलाएगा? अपना विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बड़ा इसके बाद जो अगला टॉपिक अपने पास है वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? बड़ा मैंने आपको 11th क्लास में भी बताया था, दो शब्द होते हैं, एक होता है आघूर्ण और एक होता है प्रवणता। बताया था ना, आघूर्ण का मतलब हमेशा दूरी गुणा होगी और प्रवणता का मतलब हमेशा दूरी का क्या जाएगा? भाग जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? तो आप जब भी आप कहीं पर आघूर्ण लिखा देखो, इसका मतलब आघूर्ण में क्या होती है? दूरी गुणा होती है। और जहां पर क्या लिखा होगा? प्रवणता, वहां पर दूरी का क्या जाएगा? भाग जाएगा। तो यहां पर अपने पास क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब दूरी क्या होगी? गुण। अब देखो समझो, मतलब किसका आघूर्ण होगा? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। किसका आघूर्ण होगा? यहां पर विद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वही क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। कैसे? मैं माना अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ये हो गया एक विद्युत द्विध्रुव। नाम क्या है इसका? ए बी। इसके यहां पर कितना आवेश है? माइनस का क्यू आवेश है, और यहां पर कितना आवेश है? प्लस का क्यू आवेश है, कि नहीं? दो समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति की क्या है? आवेश है, जो एक दूसरे के कैसे स्थित है? पास पास स्थित है। तो ये कैसा युग्म बन गया? विद्युत द्विध्रुव युग्म बन गया। माना दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो अल्प होती है, और यहां पर माना वो अल्प दूरी कितनी है बेटा? 2d है। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 2d है। तो ये अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव युग्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो होता क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के आवेश के परिमाण, आवेश का परिमाण, बेटा परिमाण हमेशा होता है प्लस का, मतलब उसमें प्रकृति नहीं दर्शाई जाती। यानी कि चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, लिखोगे क्या आप? केवल प्लस लिखोगे। तो यहां पर देखो विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण, किसकी बात कर रहे हैं हम? विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की बात करते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण, कोई भी एक आवेश का हम क्या लेंगे? परिमाण लेंगे। चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो, आवेश का परिमाण क्या होगा? वो होगा क्यू, हो गया। क्योंकि परिमाण कैसा होगा? प्लस का। को अगर हम किससे? दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 2d से क्या कर दें? गुणा कर दें। किससे गुणा कर दिया हमने? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो ये गुणा करने पर जो मान हमें प्राप्त होता है ये कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में कि विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। कौन सा आघूर्ण कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मान क्या आएगा? देखो आवेश का परिमाण क्यू हो गया और बीच की दूरी हो गई 2d, यानी कि क्यू इंटू में 2d। अगर बेटा यहां पर मैं मात्रक की बात करता हूं तो मात्रक क्या आएगा? देखो
आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, और इन टू में दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, यानी कि ये क्या हो गया कूलम इंटू मीटर, ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है अपना कूलम इंटू मीटर। देखो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होती है क्या होता है ये एक सदिश राशि होती है, कैसा होती है बेटा एक सदिश राशि होती है, जब ये एक सदिश राशि है तो इसकी क्या होगी दिशा होगी, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है बेटा वो सदैव कौन से आवेश से ऋणावेश से कौन सी ओर होती है धनावेश की ओर होती है, मतलब ये वाली ए से कौन सी तरफ हो गई बी की तरफ, क्यों क्योंकि ऋणावेश ये रहा और धनावेश ये रहा तो सदैव ऋणावेश से कैसी होती है धनावेश की ओर होती है, ये होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। आया समझ में, आज हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, तो अपने पास दो आवेश है दोनों एक जैसे लेकिन प्रकृति दोनों की कैसी है अलग अलग, वो दोनों अगर पास पास आ जाए तो क्या बन जाएगा विद्युत द्विध्रुव बन जाएगा, बन गया। अब आगे का जो मान आएगा विद्युत द्विध्रुव बनने के बाद आगे का जो मान आएगा वो देखो क्या आएगा, वो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण में क्या होगा तो अपने पास देखो जो आवेश थे जो विपरीत प्रकृति के थे उनमें से किसी भी आवेश का क्या ले लेंगे हम परिमाण ले लेंगे, ले लिया उस परिमाण को दोनों आवेशों के बीच की दूरी से क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा, हो गया। अब यहां पर देखो जो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं पी से, और बेटा कैसी राशि होती है सदिश, तो इसकी दिशा क्या होती है ऋणावेश से धनावेश की। अब देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दो डेरिवेशन होते हैं मेन, और जो दो डेरिवेशन है वो कौन से अक्ष पर तीव्रता और निरक्ष पर तीव्रता, कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर कोई बिंदु स्थित होगा उस पर हमें क्या निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे निरक्ष पर कोई बिंदु स्थित होगा तो वहां पर क्या निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। ये दो पॉइंट है अपने किसके मेन इसके डेरिवेशन के, तो आज हम पढ़ेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या हो गया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो बेटा क्या आएगी अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर, तो हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेटा दो डेरिवेशन है मेन तो इसके, एक अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं हम अक्षीय स्थिति की बात करें, तो देखो कैसे निकालेंगे भाई, माना अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव हो गया, ये है ए, ये हो गया बी, ये क्या है विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है और बिंदु बी पर कैसा आवेश है प्लस क्यू आवेश, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है टू डी, क्या बन गया विद्युत द्विध्रुव बन गया है ए बी जिसके बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है टू डी, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया केंद्र बिंदु ओ यहां पे, इस केंद्र बिंदु ओ से अक्ष पर बेटा अक्ष क्या होगा या तो बी की तरफ जाओ या ए की तरफ जाओ, इसी रेखा पर अक्ष आएगा, निरक्ष का मतलब या तो ऊपर जाओ या जाओ नीचे, तो ये हो गया अपना अक्ष, इस अक्ष पर ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है और वो बिंदु कौन सा है बेटा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है स्मॉल आर दूरी है, इस स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है पी जिस पर हमें किसका मान निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, किसका मान निकलेगा यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। अब देखो ये इसका केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु का मतलब बेटा ये जो दूरी है ये कितने भागों में बट गई,
केंद्र बिंदु का मतलब मध्य का बिंदु है, और मध्य बिंदु पर जो दूरी होगी वो कितने भागों में बटेगी, तो दो भागों में बटेगी, समान में 2d की आधी हो गई d और इस तरफ भी आधी कितनी हो गई d। अब देखो अगर मैं b से लेकर p के बीच की दूरी निकालू, कहां से कहां तक की दूरी निकालनी है मुझे, b से p के मध्य की दूरी, ठीक है। अब यहां पर देखो बेटा, O से लेकर P तक की जो दूरी है वो कितनी है, R है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, R है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, D। पूरी R है, बचा हुआ हिस्सा कितना है, D, तो इसके अलावा ये कितना बच जाएगा बेटा, पूरी R थी इसमें से कितनी गई, D गई, तो R माइनस D, ये कौन सी दूरी होगी, B से लेकर P के मध्य की दूरी हो गई। अब बात करते हैं A से लेकर P के मध्य की दूरी, देखो O से लेकर P तक कितनी है, R है, आगे कितनी है, D है, मतलब ये एक्स्ट्रा है, P क्या हो जाएगी, R प्लस, आया समझ में, हमने दूरियां निकाल दी है। अब देखो हमें P पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डेरिवेशन पढ़ा है, बिंदु आवेश के कारण, अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या आएगी बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बिंदु आवेश के कारण दूसरे बिंदु पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है E बराबर के क्यू अपोन में आवेश, पढ़ाई हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है, बिंदु आवेश के कारण अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर के क्यू अपोन में आर स्क्वायर। अब यहां पर हम देखो बात करते हैं, अपने पास कितने आवेश है, दो, एक तो माइनस का क्यू है और दूसरा क्या है, प्लस का क्यू, तो हम पहले प्लस आवेश के कारण निकालेंगे फिर माइनस के कारण निकालेंगे, तो पहले बात करते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, किसके कारण निकाल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, बेटा प्लस क्यू आवेश कहां पर है, बिंदु B पर, तो इसको किससे लिख दो, E है, लेकिन कौन से बिंदु की है, B बिंदु, फॉर्मूला क्या आएगा, देखो K Q, आवेश कितना है, Q है, लेकिन वो कैसा है, प्लस का, अपोन में दूरी का स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर माइनस डी, तो ये क्या हो जाएगा, R माइनस डी का स्क्वायर, समीकरण नंबर एक। इसी प्रकार किसका निकालोगे, दूसरा आवेश कौन सा है, माइनस क्यू आवेश, तो क्या आएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, तो क्या आएगा अपने पास मान, ये आ गया EB बराबर माइनस के क्यू अपोन में आर माइनस आर प्लस डी का होल स्क्वायर, आया नहीं है, क्यों, क्योंकि ए और पी के बीच की दूरी कितनी है, आर प्लस डी, और यहां पर इसका वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू, तो क्यू की जगह क्या लिख दिया हमने, माइनस क्यू आवेश। इसको दे दो समीकरण नंबर दो, बेटा पी पर अपने पास कितनी तीव्रता आ गई, ये किसके लिए आएगा, बिंदु ए के लिए आ रहा है, तो क्या लिखोगे इसको, ई ए, पी पर कितनी तीव्रता हमें प्राप्त हो गई, तो पी पर हमें दो तीव्रताएं प्राप्त हो गई। अगर हमें पी पर निकालनी है कुल तीव्रता, तो देखो पी पर कुल तीव्रता कैसे निकलेगी, अब देखो हमें निकालनी है बिंदु P पर कुल तीव्रता, तो क्या आएगा, देखो बिंदु P पर क्या निकालनी है, बिंदु P पर कुल तीव्रता, क्या आएगा, बिंदु P पर कुल तीव्रता का जो मान है अपने पास, E बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा ई ए प्लस में ई, क्योंकि हमने कितनी तीव्रता निकाली है, पी बिंदु पर, पी बिंदु पर हमने दो तीव्रताएं निकाली है,
तो उन दोनों तीव्रताओं को हम जोड़ देंगे यहां पर क्या है ये और ई बी, तो वो किसके बराबर आ जाएगी की पर कुल तीव्रता के बराबर आ जाएगी। यहां पर कौन कौन से समीकरण से मान रखो, समीकरण एक व दो से क्या आएगा बेटा मान, E बराबर आ गया यहां से ई ए का मान क्या है माइनस के क्यू अपॉन में आर प्लस में डी का होल स्क्वायर प्लस में के क्यू अपॉन में आर माइनस डी का होल स्क्वायर हो गया मान। अब देखो बात यहां पर देखो इसका मतलब क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का बेटा इनको बदल दो वापस क्या आएगा ये हो गया के क्यू अपॉन में आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस में के क्यू अपॉन में आर प्लस में डी का होल स्क्वायर बेटा दोनों में से कॉमन क्या रहा है तो ये रहा के क्यू और ये रहा के क्यू कॉमन आ जाएगा अपने पास क्या आया तो कॉमन आ गया के क्यू अंदर क्या बचा वन अपॉन में आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस में वन अपॉन में आर प्लस में डी का होल स्क्वायर अगर मान अपने पास लघुत्तम ले लो यहां पे लघुत्तम क्या आएगा तो देखो ये आया E बराबर के क्यू लघुत्तम आ गया आर माइनस डी का होल स्क्वायर और आर प्लस में डी का होल स्क्वायर ऊपर क्या आएगा इससे ये कैंसिल ये वाला गुणा होगा तो क्या आएगा ये हो गया आर प्लस में डी का होल स्क्वायर माइनस में आर माइनस डी का होल स्क्वायर बड़ा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है टेंथ क्लास में कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ऐसे दूसरा फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो यहां पर देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास जो माना आएगा वो तो वो आया ई बराबर के क्यू नीचे क्या है आर माइनस डी का होल स्क्वायर आर प्लस में डी का होल स्क्वायर ऊपर का मान देखो अपने पास क्या आएगा पहले है a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में टू ए माइनस का निशान लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस टू ए हो गया। अब इसको आगे सोल्व करना है तो देखो क्या आएगा के क्यू आर माइनस डी का होल स्क्वायर आर प्लस में डी का होल स्क्वायर बट अंदर क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर प्लस में टू आर बाहर किसका निशान है माइनस का निशान है कि नहीं तो ब्रैकेट हटाओगे तो अंदर के निशान क्या होंगे बदलेंगे तो बदल दो क्या आएगा माइनस आर स्क्वायर प्लस का था वापस माइनस डी स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस टू आर जो घटे इनको काटो देखो आर स्क्वायर प्लस का और आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर प्लस का और डी स्क्वायर माइनस का ये टू आर डी प्लस टू आर डी कितने हो जाएंगे यहां पे मान आ गया के क्यू अंदर आ गया फोर आर डी अपोन में क्या आएगा यहां पे मान आर माइनस डी का होल स्क्वायर और आर प्लस में डी का होल स्क्वायर आगे मान। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं यहां पे बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर किसके होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ेंगे पढ़ा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के यहां पर अगर मैं देखो स्क्वायर लगा दू यहां पर लगा दो यहां पर भी लगा दो यहां पर भी लगा दो बन गया नया फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर तो देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो मान रखो क्या आएगा यहां से मान आ गया के क्यू इंटू फोर आर डी गुणा हो गया अंदर और अपॉन में क्या आ जाएगा ए माइनस
ए स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर मतलब डी का स्क्वायर, और पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो आगे सोल्व करने पर अपने पास मान क्या आएगा वो देखो। ऊपर हम क्या कर सकते हैं, तो देखो E बराबर के क्यू इन टू में टू आर और इन टू में टू डी अपॉन में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है। फोर आर डी गुणा करो टू इंटू टू फोर आर इंटू डी आर डी, तो फोर आर डी वो कब वो है बट हम जानते हैं क्यू इन टू में टू डी, अभी अभी पढ़ा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है Q इंटू में 2D, तो Q इंटू में 2D की जगह पर क्या लिखो P लिख दो, तो क्या आएगा E बराबर ये दो आगे दे दो K हो गया Q इंटू टू डी क्या हो गया P हो गया और क्या बच गया R बच गया, हो गया दो आगे ले लिया Q इंटू में 2D P हो गया लिख दिया, K बचा हुआ था और R बचा हुआ था लिख दिया, अपॉन में क्या आया आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा देखो विद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2d होती है, जो कि बहुत अल्प दूरी होती है, ना के बराबर दूरी होती है, होती नहीं होती, और उसकी आधी 2d की आधी d है, वो और भी कम दूरी होगी। तो देखो अपने पास डायग्राम में क्या था, ये था बिंदु O, यहां पर B था, यहां पर P था, ये दूरी थी R और ये दूरी थी D, तो देखो R जो है वो किससे बड़ा है D से बड़ा है कि नहीं, ये छोटा था और ये कैसा था बड़ा डायग्राम में, ये तो क्या था मैं, तो R का मान D से बड़ा था, D तो पहले ही बहुत छोटा है, तो इसका मतलब यहां पे कंडीशन क्या लगेगी, यदि R का मान D से कैसा है बहुत बड़ा हो तो D की उच्च घातों को क्या मान लो, उच्च घातों को नगण्य मानने पर, मान लो भाई डी की उच्च घातों को नगण्य, तो क्या आएगा ई बराबर टू के पी आर अपोन में आर स्क्वायर, उच्च घात क्या है डी स्क्वायर, तो इसको जीरो मान लो नगण्य हो गई आर, क्या आएगा बेटा इसको सोल्व करेंगे तो ई बराबर टू के पी आर अपोन में आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, जीरो का मतलब जीरो क्या हो गया आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसको सोल्व कर दो आगे, जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास मान क्या आएगा, तो आगे का मान देखो अपने पास क्या आएगा सोल्व करने में, तो आगे का मान यहां से आया तो ये आएगा E बराबर, ऊपर तो क्या था 2 के पी आर, नीचे क्या है R स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब दो दूनी कितनी हो गई घात चार, बेटा एक से एक क्या हो गया कैंसिल, कितना बचा थी, तो ये हो गया E बराबर 2 के पी अपोन में आर, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान किसके लिए होता है, तो बेटा विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो उस बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है ये E बराबर 2 के पी अपोन में आर क्यूब, ये अपना एक डेरिवेशन पूरा हो गया, ये हमने अक्ष पर निकाला है, अगला वाला कौन सा आएगा निरक्ष पर आएगा बेटा, वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा।